हेलो डियर, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम फिजिक्स ICSE क्लास 9th पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। कैसे आप वर्नियर कैलिपर के हेल्प से रीडिंग ले सकते हो जानेंगे। इसमें जानने के लिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स है क्या, लिस्ट काउंट होता क्या है, जीरो एरर क्या है, फ्री फ्रॉम जीरो एरर क्या होता है, और दो तीन थे क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चन लगाने में आसानी से लगा लें। चलिए जानते हैं। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है तो पहले जानिए। हर एक चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस होता है, जैसे मीटर स्केल के हेल्प से हम लोग लेंथ नापते हैं। उसी तरह वर्नियर कैलिपर्स भी एक डिवाइस है जिसके हेल्प से आप मेजरमेंट करते हो। किसका, जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास का डायमीटर बताना है। जैसे ग्लास है ये, इस ग्लास का डायमीटर बताना है, ठीक है। जैसे ये ग्लास हो गया, इस ग्लास का डायमीटर बताना है, तो आप किसका हेल्प लोगे, वर्नियर का। रेडियस बताना है तो वर्नियर का, ठीक है। लेंथ बताना है तो वर्नियर का हेल्प लेंगे, समझे। तो वर्नियर कैलिपर के हेल्प से अब मेजरमेंट करते हैं। जैसे बाल का डायमीटर बताना है बता सकते हैं, छोटे से बाल का डायमीटर बताना है बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप गहराई भी बता सकते हो, ये कितना गहरा है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर समझ गए। अब देखिए, इस पे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको आप मीजर कर सको। जैसे टाइम है, टाइम को मीजर कर सकते हो सेकेंड में, लेंथ को मीजर कर सकते हो मीटर में। तो फिजिकल क्वांटिटी को ही हम मीजर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक नोन क्वांटिटी को। नोन मतलब जिसको जानते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स लियो, तो इसमें डाटा फिक्स है, आपको मालूम है कि यहाँ पर मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो उसके हिसाब से हम दूसरे को नापेंगे। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी हम जानते हैं। अननोन क्या है, तुम्हारा मान लो ये अपना है ये वाला लेंथ, तो यह नोन है। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अननोन डाटा विद द हेल्प ऑफ नोन डाटा, ठीक है। जैसे मीटर स्केल खरीदते हो ना 10 सेंटीमीटर वाला, उसके हेल्प से आप कोई नापते हो, तो वहाँ पर आपका जो मीटर स्केल है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी नोन डाटा। इसके हेल्प से हम किसी दूसरे का लेंथ कंपेयर करते हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया। अब देखो, मेजर एकदम एक्यूरेट नापता है, प्रिसाइज एग्जैक्ट जानकारी देता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। इसका आंसर 0.11 पॉइंट, आप बढ़िया से एग्जैक्ट आंसर में ऐसे भी लिख सकते हो, 0.001 mm में भी आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है ये भी याद रखना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। अगर कोई पूछ दे 1 मीटर में कितना है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कन्वर्जन आनी चाहिए, इसमें यूज होगा आपका। तो पहला चीज़ है वर्नियर कैलिपर, हमने समझा। इसके हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं मेजरमेंट, किसका भाई, बाल का डायमीटर नापते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे कि राड का लेंथ नापना है वो नाप सकते हो, गहरा कितना है वो सब नाप सकते हो। अब देखो, इसमें एक चीज़ होता है लिस्ट काउंट। पहले वर्नियर कैलिपर्स का फिगर होगा आपके ऊपर स्क्रीन पर, देखिए वहाँ पर फिगर में क्या लिखा है, ठीक है। सब समझिए कैसे कैसे क्या दिया है, ठीक है। तो फिगर आप समझ जाओगे। मेन हमें एक बस यहाँ पर नंबरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग आइडिया ले रहे हैं, कैसे सॉल्व इजली करेंगे। तो देखो, एक चीज़ होता है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, जैसे आप मीटर स्केल दिए होगे, स्केल यहाँ पर बना होगा मीटर स्केल, इसमें से एक होता है, जैसे मान लो यहाँ पर 10 है, ऐसे 10 है, ठीक है। मान लो तो हम 4 ही ले रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में छोटे छोटे ऐसे खाने हैं, ठीक है। स्पेस इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है ना, यही स्पेस क्या कहलाता है आपका, लिस्ट काउंट। ऐसा छोटा सा मेजरमेंट जिसके हेल्प से आप नाप सकते हो, वो छोटा सा, यानी ये वाला लेंथ ही आपका लिस्ट काउंट है। सबसे छोटी सी वैल्यू जो आप इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मीजर कर सकते हो एक्यूरेटली और प्रिसाइसली, वही लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करते हो एक्यूरेसी के साथ और प्रिसिशन के साथ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, लिस्ट काउंट समझा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो जो वर्नियर स्केल होता है आपका ना, वर्नियर स्केल स्क्रीन पर होगा। देखिए, वर्नियर स्केल में 2 प्रकार के स्केल लगे होते हैं। वर्नियर स्केल को हम 2 प्रकार के स्केल होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल, और एक होता है मेन स्केल। तो मेन स्केल में देखो, अगर मान लो मेन स्केल है, तो पहले 2 चीज़ याद रखिएगा, एक होता है मेन स्केल, मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल, ठीक है, उस वर्नियर कैलिपर्स में होगा। और बाकी सब चीज़ें आप पढ़िएगा क्या क्या जाओ वगैरह है, ठीक है, स्कूल में कराया भी जाएगा प्रैक्टिकल।
तो मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल देखो, अब क्या होगा कि अगर आपको लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट मैंने बता दिया है। लिस्ट काउंट होता है क्या है? लिस्ट काउंट ऐसा काउंट जो बहुत छोटा सा होता है वैल्यू। अभी मैंने स्केल वाला हेल्प लगा बताया कि उसमें एक छोटा सा स्पेस नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसी तरह लिस्ट काउंट इसमें भी होता है। तो लिस्ट काउंट यह कहता है कि अगर वर्नियर पर एन डिवीज़न हो, क्या हो, वर्नियर का एन माइनस वन डिवीज़न, वर्नियर मेन स्केल का एन माइनस वन डिवीज़न, ये देखो मेन स्केल का है, ऑफ मेन स्केल हम डिराइव कर रहे हैं लिस्ट काउंट को। अगर एन माइनस वन डिवीज़न है मेन स्केल का, तो अगर वो बराबर हो गया एन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है भाई। दो प्रकार के स्केल थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। किसमें? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को स्लाइड कैलिपर्स भी बोलते हैं, स्लाइड कैलिपर्स, ठीक है। बुक में दिया होगा, पढ़िएगा थोड़ा, ठीक है। तो एक चीज़ आपने ये जाना कि मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट निकालने का हम फार्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि लेट मतलब माना कि एन माइनस वन डिवीज़न जो मेन स्केल का, वो किसके बराबर है? एन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। देखो डिवीज़न का मतलब ये है कि अगर आपका स्केल ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी गैप है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, मान लो ऐसे दस है, यही डिवीज़न है, छोटे छोटे डिवीज़न है। तो अगर मेन स्केल का मान लेते हैं कि एन माइनस वन डिवीजन्स एन डिवीज़न ऑफ वन ईयर स्केल के बराबर है, और सो लेट वन मेन डिवीज़न लेंथ इज एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, आपने मान लिया वन मेन डिवीज़न को हमने लेंथ एक्स सेंटीमीटर माना। तो भाई आपके एन माइनस वन डिवीज़न है ना, तो एन माइनस वन डिवीज़न में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए एन माइनस वन इंटू एक्स हो गया, ये मेन स्केल का, वो किसके बराबर हो जाएगा, एन डिवीज़न के बराबर। तो एन डिवीज़न ऑफ वर्नियर इंटू मान लेते ये लेंथ कितना है, वाई है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा वन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बातें कन्फर्म हो गई। भाई ये इसके बराबर है, ये वाला मेन स्केल वाला पार्ट है, ये वाला वर्नियर वाला पार्ट है। तो हमें यही निकालना है ना, एक पहले तो हम एक डिवीज़न का लेंथ निकालना है, तो y निकालना है, तो क्या करेंगे, यहीं पर रहने देंगे n माइनस वन इंटू एक्स बाई एन, ठीक है। इसको जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा x एन एक्स बाई एन माइनस एक्स बाई एन, ठीक है, यानी इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस एक्स बाई एन, ठीक है। ये एक डिवीज़न है किसका, वर्नियर स्केल का, किसके टर्म में, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, और एक मेन स्केल का डिवीज़न का लेंथ, ठीक है, गैप कितने सेंटीमीटर का वो है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लिस्ट काउंट में ये भी बोला जाता है कि जो लिस्ट काउंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, लिस्ट काउंट को वर्नियर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, तो वो बोलते ही हैं कि एक फार्मूला है, लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट रख दी, एक मेन स्केल लेंथ माइनस एक मेन स्केल, सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन लेंथ, ठीक है, इतनी बातें समझ गए। एक मेन स्केल का लेंथ, एक डिवीज़न का, यहाँ पर डी लिख दीजिएगा, एक डिवीज़न मेन स्केल का लेंथ और एक डिवीज़न वर्नियर स्केल का लेंथ, ठीक है, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने का मतलब देखो, यहाँ पे वर्नियर का है और हमने इसको क्या माना है एक्स, तो माइनस करेंगे, देखो अभी तो उससे आप स्केल में भी घर पे करते होगे सेंटीमीटर वाले स्केल में, तो वन में मेन स्केल का लेंथ हमने क्या माना था एक्स, और उसका कितना आया था एक्स माइनस एक्स बाई एन, ठीक है। अब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी एक्स बाई एन आ गया, ठीक है। तो एक्स क्या है बाबू, एक्स वन मेन वन डिवीज़न मेन स्केल लेंथ है बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल,
यानी वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है, ठीक है। तो एक फार्मूला हो गया लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा सा मेजरमेंट जिसके हेल्प से आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो कोई चीज़ वैल्यू को, ठीक है। जैसे लेंथ निकालना है किसी का, बाल का रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो इसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। लिस्ट काउंट हो गया। तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें वर्नियर डिवीजन यानी वर्नियर नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन दिया है आपका 25, ठीक है। नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन दिया है 25 और बोल दिया है एक मेन स्केल की लेंथ, एक डिवीजन मेन स्केल की लेंथ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ आप लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एक मेन का अब भाई टोटल यानी 1/5 यानी 0.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया लिस्ट काउंट, ठीक है। ये दिया था आपको और ये दिया था, एक डिवीजन है मेन स्केल का लेंथ का, ठीक है 5 सेंटीमीटर, एक डिवीजन मेन स्केल लेंथ, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे आप निकाल पाओगे, ठीक है। लिस्ट काउंट तरीके भी समझ गए। ये कापी के बुक का क्वेश्चन है, वहाँ पर स्क्रीन पर होगा, देखिए, ठीक है। एग्जांपल में ही है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं एग्जांपल क्या कह रहा है। तो देखो वहाँ पर फिगर एक बना होगा, उस फिगर में ये दिया होगा कि आपको रीडिंग बतानी है। क्या बतानी है, रीडिंग। तो भाई एक राड लगा है और उसमें एक दिया है सबसे नीचे मेन स्केल, सबसे नीचे है मेन स्केल ऐसे दिया होगा और ऊपर होगा वर्नियर स्केल। राड की लेंथ बतानी है एक्यूरेटली, कैसे बताएंगे, ठीक है, वही हमें जानना है कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हमने तो पहले लिस्ट काउंट समझ लिया क्या होता है। तो एक होता है अगला टर्म है जिसको हम समझेंगे कैसे इजली। देखो उसमें राड भाई आप कैसे बना होगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक फिगर होगा, ये आपका राड है, ठीक है। इस राड का हमें लेंथ बताना है, ये लेंथ कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर दिया है, ये मेन स्केल नीचे वाला मैंने बता दिया, नीचे वाला मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल, और ऊपर वाला वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ऐसे चल रहा है, वर्नियर स्केल, ठीक है, मेन स्केल वर्नियर स्केल। तो एक चीज़ देखो, यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर है भाई, मेजरमेंट है सही, तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है 1 सेंटीमीटर है, प्लस साथ में थोड़ा सा ये भी लेंथ है, एक स्पेस दो स्पेस, तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.2 सेंटीमीटर है ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे निकल गया ये, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा वैल्यू और बचा है, ये वाला गैप देखिएगा इसमें, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ तक 1.2 हो गया, लेकिन ये बचा हुआ है इसको मालूम नहीं है, और जो मेन स्केल है वो सीधे तीसरे नंबर वाला यहाँ पर है मेन स्केल का, ठीक है, तीसरे नंबर वाला यहाँ पर मेन स्केल का। तो आप कैसे समझोगे, कैसे करेंगे। तो देखो ये लेंथ निकालने के लिए आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, कॉन्साइट। तो वर्नियर का रीडिंग मेन स्केल के वर्नियर स्केल का कौन सा टर्म या कौन सा लाइन मेन स्केल के रीडिंग से कॉन्साइट करता है। तो देखो यहाँ पर 0 है यानी वर्नियर का यहाँ चालू हुआ है, ठीक है, ये वर्नियर स्केल है, ये बस 10 खाने हैं यहाँ तक, ठीक है, अभी समझेंगे। अब देखो 1, 2, 3, 4 चौथा वाला जो टर्म है यानी चौथा वाला जो स्पेस है वो किससे कंसाइड कर रहा है, देखो 1, 2, 3 यानी यहाँ पर कंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का कौन सा टर्म यानी वर्नियर का कौन सा रीडिंग मेन स्केल से कंसाइड कर रहा है, तो यहीं पर वर्नियर का ये 4 वाला कंसाइड कर रहा है। देखो 1 ये वर्नियर वाला है, वर्नियर सब ऊपर वाले वर्नियर है, नीचे वाला मेन स्केल है जो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये आपका वर्नियर वाला कंसाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 पे यानी वर्नियर का 4 कंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर का 4th डिवीजन, वर्नियर 4th डिवीजन कंसाइड, फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है। तो जब 4th डिवीजन कंसाइड कर रहा है, इसका मतलब देखो कैसे निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट हमें मालूम था कितना होता है वर्नियर का, मान लो ये सेंटीमीटर वाला है तो कितना होगा इसका, आपका हो जाएगा लिस्ट काउंट
0.01 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट? तो मैंने ये बताया था कि देखो लिस्ट काउंट कैसे 0.1 सेंटीमीटर है, तो पूछ सकते हो बहुत से बच्चे। तो देखो कैसे, यहीं पे देख लो, एक मेन स्केल रीडिंग, एक मेन स्केल की रीडिंग बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो एक मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? एक डिवीज़न मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाय नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है? 10। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? इतना सेंटीमीटर लिस्ट काउंट होगा आपका, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर लिखा है, आप निकाल भी सकते हो। देखो ना, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर 10 स्पेस है, तो एक छोटा सा स्पेस ही क्या कहलाता है? ये वाला स्पेस ही क्या कहलाएगा? 1 मेन स्केल रीडिंग, 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल रीडिंग। तो इसका यहाँ तक वैल्यू जो भी होगा, वो मैंने यहाँ पर 0.1 लिखा। क्यों 0.1 लिखा? क्योंकि यहाँ पर 10 लोग हैं, तो 1 में डिवाइड किया तो 0.1 आया। अब हमारा बोला क्या है कि वर्नियर पर 10 रीडिंग है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 है ना वर्नियर पर, 10 ये वर्नियर का रीडिंग है सब, 5, 10। तो 10 स्पेस है, यानी 10 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो 10 से मैंने डिवाइड किया तो 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आ गया। तो लिस्ट काउंट जब आ गया तो आपको करना क्या है, मेन स्केल रीडिंग लिखिएगा प्लस लिस्ट काउंट इनटू कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है, कॉइंसाइड वर्नियर डिवीज़न। तो लिस्ट काउंट कितना है? तो लिस्ट काउंट आपका 0.01 इंटू कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है? 4 वाला ना, वर्नियर का चेक करना है, वर्नियर का कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है, बस यही है। मेन स्केल रीडिंग 1.2, तो 1.2 प्लस ये, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 1.24 सेंटीमीटर। आप इसके हेल्प से बता सकते हो रीडिंग किसी भी एक्यूरेटली और बढ़िया से, ठीक है। तो हमने इसमें क्या जाना, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है एक मेन स्केल के डिवीज़न का लेंथ, मेन स्केल के डिवीज़न का लेंथ एक का बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल, ये हो गया एक्स बाई एन। अब दूसरा चीज़ क्या है कि हमने तो भाई मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है, इंस्ट्रूमेंट रॉड है, तो 1.2 तो सही था, लेकिन ये छोटा सा जो वैल्यू है ये नहीं मालूम चल रहा है, क्योंकि मेरा थर्ड वाला सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1 स्पेस 2 स्पेस, थर्ड वाला यहाँ तक स्पेस है, तो थर्ड के बीचों बीच में, 2 और 3 के बीचों बीच में। तो ये वाला लेंथ निकालने के लिए ए बी हमने क्या किया, देखा कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है। तो हमने देखा कि वर्नियर का 4th, वर्नियर का देखना है, वर्नियर का कौन सा टर्म कॉइंसाइड कर रहा है, कौन सा स्पेस, 1, 2, 3, 4 4th डिवीज़न कॉइंसाइड कर रहा है, तो मैंने 4 डिवीज़न 4। तो अब लिस्ट काउंट मैंने निकालने का तरीका बताया, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो छोटे से वैल्यू का क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 डिवीज़न का लेंथ कितना हो गया, 0.1। इस वर्नियर में कितने डिवीज़न है, 10, 10 से डिवाइड किया लिस्ट काउंट ये आया। तो आपको टोटल वैल्यू बताने के लिए मेन स्केल की रीडिंग रखनी पड़ेगी, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कौन सा डिवीज़न कॉइंसाइड किया है, कॉइंसाइड वर्नियर डिवीज़न, आप लिख दे नंबर ऑफ डिवीज़न, जो भी नंबर हो, जो भी नंबर 4th वाला, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा, इसके आगे एक होता है जीरो एरर, वो समझते हैं, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पर एक फिगर होगा जिसमें ये दिखाया होगा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स में 2 जा होते हैं, एक फिक्स जा होता है जो कि ऊपर ऐसे कोने में पड़ा होगा, ऐसे यहाँ पर देखिएगा फिक्स जा, उधर से आप वर्नियर स्केल के जा को ला रहे हो, यानी एक J1 हो गया, दूसरा J2। तो जैसे ही ये फिक्स जा है जो यहीं पर पड़ा रहेगा, एक को मूव करा रहे हो आप जा को, ऐसे मूव करा रहे हो जा को। तो जब ये दोनों जा, यानी मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 कॉइंसाइड कर जाएगा, मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 कॉइंसाइड कर जाएगा, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 एरर नहीं है, यानी फ्री फ्रॉम 0 एरर, यानी 0 एरर कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो एरर होते हैं भाई, एरर कैसे होगा, कुछ फॉल्ट हो गया, या तो उसमें जंग लग गया, रस्टिंग हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट में कहीं कुछ फॉल्ट हो गया, उसके कारण एरर आते हैं। तो देखो, तो जब J1 और J2 को आपस में ऐसे फिक्स कर दिया जाए, तो मेन स्केल का 0 वाला और वर्नियर का 0 वाला कॉइंसाइड कर जाएगा, तो उस समय कोई उसमें एरर नहीं है, तो फ्री फ्रॉम 0 एरर। लेकिन 0 एरर कब एराइज होगा, ये दूसरा आपके स्क्रीन पर पिक्चर होगा,
इसमें देखिए, अब देख रहे होगे कि इसमें जो है आपका जो ये वर्नियर वाला स्केल है उसका जो जीरो वाला टर्म था, यानी जीरो वाला डिवीजन शुरू वाला, वो मेन स्केल के राइट साइड में हो गया है। देखो यहाँ पर ये है, मेन स्केल का राइट साइड में हो गया, तो यहाँ पर एक एरर पैदा हो जाएगा जिसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे? आपका जो फिक्स जा J1 था और J2 था, तो जो ये मेन स्केल वाला जीरो था और वर्नियर वाला जो जीरो था, तो वर्नियर वाला जीरो राइट साइड में चला गया है और ये जीरो इधर रह गया, यानी आपस में कौन साइड मिल नहीं रहा है ऐसे, इधर हो गया है, जिसके कारण ये वाला चीज़ें क्या हो गई है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे? तो कोई भी स्केल होगा तो उस स्केल में वही देखना है आपको बस कि लिस्ट काउंट क्या होता है, ये मालूम कर लीजिएगा, उसका मल्टीप्लाई किस वाले जगह पर कॉन्साइड कर रहा है, यानी वर्नियर किस वाले जगह पर मिल रहा है, वहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमने निकाला और साथ में कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है, वर्नियर का, वर्नियर डिविजन्स कॉन्साइड कॉन्साइड, यानी वर्नियर का कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। तो आप मान लीजिए लिस्ट काउंट उसका ये था 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर का कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीज़न से, तो यहाँ पर मान लो तीसरा कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व रीडिंग यानी इतना सेंटीमीटर हो गया, जो कि क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर है। एरर कब आता है? मैंने बता दिया, या तो रस्टिंग हो गया होगा या कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट में, उसके कारण रस्टी आया हुआ। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? ऐसा एरर जो एराइज होता है इंस्ट्रूमेंट में कब, जब आपका मेन स्केल का जीरो वाला और वर्नियर के स्केल का जीरो वाला थोड़ा इधर चला जाए, ठीक है, राइट साइड में, जिसके कारण एक एरर एराइज होता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर मान लीजिए आपने किसी इंस्ट्रूमेंट का भी पीछे वाला क्वेश्चन का 1.24 सेंटीमीटर निकाला था, ठीक है, ये आया था वैल्यू, लेकिन उसमें कुछ एरर है, बोल दिया कि पॉजिटिव जीरो एरर है, इतने का जीरो एरर है, तो आप क्या करोगे, इस वाले वैल्यू को उसमें से माइनस कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है, ये एक्स्ट्रा बता दिया, तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो 1.21 सेंटीमीटर रीडिंग हुआ कब, तो इसका क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व पहले आप ऑब्जर्व कर लेना रीडिंग पूरा, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ये ऑब्जर्व रीडिंग हो गया। ऑब्जर्व रीडिंग में क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये यहाँ तक हो गया ऑब्जर्व रीडिंग में। अब पॉजिटिव जीरो एरर वाला वैल्यू, पॉजिटिव जीरो एरर, ये जो इस इंस्ट्रूमेंट में पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ, क्योंकि जंग लग गया रस्टिंग इसके कारण, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर के वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई डिवीज़न ऑफ वर्नियर कॉन्साइड। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, कौन सा वर्नियर का डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, सिर्फ वर्नियर का डिवीज़न लेंगे, डिवीज़न ऑफ वर्नियर कॉन्साइड टू मेन स्केल, ठीक है। तो बस ये तरीके होंगे, तो यहाँ से आपका एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगा, फाइनल रीडिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल रीडिंग, कब, जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर आपने समझ लिया, ऐसा एरर जब एराइज होता है जब इंस्ट्रूमेंट में फिक्स जा और मूवेबल जा, यानी जो जीरो है मेन स्केल का और वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर वाला कौन साइड ना करे, राइट साइड में चला जाए, तो वहाँ पर पॉजिटिव जीरो, इसी का जस्ट उल्टा होता है निगेटिव जीरो एरर। तो स्क्रीन पर फिगर होगा, देखिए निगेटिव जीरो एरर, ये भी वही फॉल्ट है, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हो गया होगा इंस्ट्रूमेंट में, कहीं स्क्रू वगैरह ढीला हो गया, जो भी चीज़ हुआ होगा। तो इस निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, देख लीजिए, निगेटिव जीरो एरर। तो बस उसमें हमने वर्नियर को राइट साइड में किया था, वर्नियर राइट आ जाएगा, यानी जो वर्नियर पर जीरो की वैल्यू जो इधर आ जाएगी और मेन स्केल की जीरो की वैल्यू इधर, यानी ये वाला देखो कंडीशन, ये जीरो वर्नियर स्केल का और ये जीरो मेन स्केल का, ये वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये जीरो अब भाई ये लेफ्ट हो गया ना, वर्नियर स्केल वाला जीरो, तो ये कैसा इधर है, निगेटिव जीरो इधर, ठीक है भाई। मेन स्केल वाला रीडिंग ऐसा है, वर्नियर स्केल वाला ऐसे रीडिंग है, तो भाई वर्नियर का स्केल का जीरो इधर आ गया, मेन स्केल का उधर, तो ये निगेटिव जीरो रहा है। तो इसमें भी वही तरीका रहेगा,
ऑब्जर्व रीडिंग। अब यहाँ पर देखो निगेटिव है ना, तो ये कम हो गया है, कम हो गया तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमारी रीडिंग में कम हो गया था तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। निगेटिव जीरो ई रर, ठीक है। तो ऑब्जर्व रीडिंग मान लेते, तो वही वाला पहले वाला था, कितना था 1.24 जो इंस्ट्रूमेंट का हमने नापा था सेंटीमीटर में था, प्लस निगेटिव जीरो एरर। तो जो अभी पहले पीछे का मान लेते हैं, लिस्ट काउंट कितने का था 0.01 सेंटीमीटर का, मल्टीप्लाई थर्ड वाला डिवीजन कर रहा था, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर, ठीक है। निगेटिव जीरो एरर होगा तो हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो माइनस करेंगे ऑब्जर्व रीडिंग में। ऑब्जर्व रीडिंग का मतलब क्या है, मेन स्केल का रीडिंग और जो छोटा सा पोर्शन बच जा रहा है तो उसको हम लिस्ट काउंट और मल्टीप्लाई कौन सा डिवीजन वर्नियर का कंसिडर कर रहा है उससे निकालते थे। और निगेटिव जीरो एरर निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया, आप पहले लिस्ट काउंट लिखिएगा और वर्नियर का कौन सा डिवीजन कंसिडर कर रहा है उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दिया रहेगा एक इंस्ट्रूमेंट, अब बोल देगा निगेटिव जीरो एरर निकालो, तो लिस्ट काउंट मालूम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, आपने रीडिंग समझना समझ गए बढ़िया से, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के बीच में इसे शेयर करो। थैंक यू।